जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ECC फैमिली में। ECC फैमिली Instagram तथा Telegram में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इवेंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें, चाहे वो आपकी एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सेमेस्टर एग्जाम से या ट्यूटोरियल एग्जाम से रिलेटेड हो, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर सही और सटीक आपको ECC फैमिली पेज पे मिलेगी। तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाएं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की भी जानकारी मिल सके। आप हमसे WhatsApp चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो WhatsApp चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो नोट्स होंगी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे और सिलेबस होंगे, वो आपको ECC फैमिली के व्हाट्सएप चैनल पे तथा टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जल्द जुड़ जाएं। PYQ का गूगल ड्राइव बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, प्रोसेस में है। बहुत जल्द आप सभी के सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 के सभी के जो PYQ हैं, वो एक ही गूगल ड्राइव में कंबाइंड करके डाल दिया जाएगा। तो उस गूगल ड्राइव का लिंक बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है, बहुत जल्द ये सब रेडी हो जाएगा। सिलेबस आपका गूगल ड्राइव में रेडी हो चुका है, और हमने गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सभी छात्रों के लिए है, इवन क्रिश्चियन कॉलेज में सभी पढ़ रहे छात्रों के लिए, जो अभी न्यूली एडमिटेड है उन सभी के लिए, यानी BA, BSc, BCom, BCA एंड PG, जो सेशन 2023-24 में है, चाहे वो UG सेमेस्टर 1 के हों, UG सेमेस्टर 3 के हों, या UG सेमेस्टर 5 के हों, या PG सेमेस्टर 3 एंड PG सेमेस्टर 1 के, सभी छात्रों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट नोटिस है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो इस वीडियो में हम जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का सेशन 2023-24 का एकेडमिक कैलेंडर है, उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी, कब से एग्जाम होंगे और कब आएगा रिजल्ट, पूरा प्रोसेस बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे UG सेमेस्टर 5, PG सेमेस्टर 3 एंड PG सेमेस्टर 1। इसके बाद हम UG सेमेस्टर 1 जो न्यूली एडमिटेड हुए हैं, तथा UG सेमेस्टर 3 जिनका अभी अभी एग्जाम चल रहा है, कुछ लोगों का, कुछ लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, उनकी बात करेंगे। उनके एग्जाम्स कब होंगे, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, रिजल्ट कब आएगा, उसकी बात करेंगे। देखिए, UG सेमेस्टर 5 की अगर बात करें, PG सेमेस्टर 3 एंड PG सेमेस्टर 1 की, इनकी अगर बात करते हैं, तो इन लोगों का जो सेमेस्टर 4 का रिजल्ट था वो आ ही चुका है, और UG सेमेस्टर 5 की क्लासेज आपकी 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी थी। अब आप लोगों के बचते हैं ट्यूटोरियल टेस्ट। जिन लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन लोगों के तो प्रैक्टिकल्स होंगे, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है UG सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का, तो उन लोगों के जो ट्यूटोरियल टेस्ट होंगे वो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 3/10/2023 से 6/10/2023 तक होंगे। इस बात को ध्यान दे लीजिए। UG सेमेस्टर 5 के अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें हम, तो वो आपके 20 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और PG सेमेस्टर 3 एंड PG सेमेस्टर 1 के एग्जाम आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, UG सेमेस्टर 5, PG सेमेस्टर 1 एंड PG सेमेस्टर 3, इन लोगों के जो लास्ट डेट होगी एग्जामिनेशन की, वो होगी 21 दिसंबर। इस बात को ध्यान दे लीजिए कि 21 दिसंबर के बाद 1 जनवरी तक आप लोगों का, चाहे वो UG सेमेस्टर 1 हो, चाहे UG सेमेस्टर 3 हो, या UG सेमेस्टर 5 हो, या PG हो, इन सभी का 21 दिसंबर के बाद 1 जनवरी तक विंटर वेकेशन होगा। इस ड्यूरिंग कॉलेज क्लोज रहेगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, आप लोगों की क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी। जो UG सेमेस्टर 5, PG सेमेस्टर 1 एंड PG सेमेस्टर 3 है, इन लोगों का अगर इवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट की बात की जाए, मतलब आप लोगों की जो कॉपी चेक होंगी वो विंटर वेकेशन के ड्यूरिंग ही चेक होंगी, जो ऑफिशियल वर्क है वो चालू रहेगा, बस बच्चों के लिए कॉलेज क्लोज होगा क्लासेज वाला। तो आप लोगों की कॉपी ड्यूरिंग विंटर वेकेशन होंगी, और आपका लगभग 15 जनवरी तक UG सेमेस्टर 5 का और PG सेमेस्टर 3 एंड PG सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं UG सेमेस्टर 1, UG सेमेस्टर 3 की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी, आप लोग न्यूली एडमिटेड हैं तो अपने जो भी दोस्त मिले इस चैनल के बारे में जरूर सजेस्ट करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। जिन लोगों का न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हुए हैं,
उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आप लोगों का जो 25th को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं ऑफलाइन होगा। और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे कॉलेज में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि 25th को जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, 25th सितंबर को, उस दिन हम आपको लगभग 12 बजे के आसपास कॉलेज कैंपस के BSC LT ग्राउंड पे जरूर मिलेंगे। कोशिश पूरी रहेगी मेरी आने की। जो लोग भी मिलना चाहते हैं वो 25th सितंबर को दोपहर 12 बजे BSC LT पे हमसे मिल लें। जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप बताएंगे। आई विल ट्राई कि मैं सारी प्रॉब्लम्स के को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जिनका अभी तक सेक्शन कार्ड नहीं आया, मंडे तक आप लोगों का सेक्शन कार्ड नहीं आ जाएगा, नहीं आता है इनकेस, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इस चीज़ का सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। तो अगर हम UG Semester 1 एंड UG Semester 3 की क्लासेज की बात की करें, देखिए UG Semester 1 की जो क्लासेज हैं वो आपकी 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग क्लास ले भी चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो नहीं लिए हैं जल्द से जल्द क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दें। अगर हम कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज UG Semester 3 की बात करें, UG Semester 3 जिनका भी एग्जाम UG Semester 2 का चल रहा है, जिनका हो गया है, इन सभी की क्लासेज आपकी 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों का जो Semester 2 की कॉपी चेकिंग है, इवेल्यूशन है, वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपका 15 से 20 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। बहुत जल्दी इस बार UG Semester 2 का रिजल्ट आएगा। अगर हम ट्यूटोरियल टेस्ट की बात करें, देखिए ट्यूटोरियल टेस्ट UG Semester 1 एंड UG Semester 3 इन सभी का एक ही डेट्स पर होगा, वो होगा 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आप लोगों की UG Semester 1 एंड UG Semester 3 का ट्यूटोरियल टेस्ट होगा। लेकिन न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट ट्यूटोरियल सब्जेक्ट ट्यूटोरियल टेस्ट नहीं जानते हैं। एक वीडियो आएगा जिसमें आपको मार्किंग सिस्टम एंड ट्यूटोरियल टेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में, कितने मार्क्स का होता है, सब डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द वो वीडियो आएगा। और आप लोगों के PYQ एंड सिलेबस का ड्राइव हमने अवेलेबल करा दिया है। PYQ का ड्राइव भी बहुत जल्द अवेलेबल करा देंगे। आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। UG Semester 1 एंड UG Semester 3 के एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों के जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे वो 17 जनवरी 2024 से आप लोगों के UG Semester 1 एंड UG Semester 3 के एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें UG Semester 1 एंड UG Semester 3 की, तो आपके 10 फरवरी तक एग्जाम्स होंगे। 10 फरवरी को आपका अंतिम एग्जाम होगा। और UG Semester 4 एंड UG Semester 2 की जो क्लासेज होंगी वो आपकी 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो 11 फरवरी से आप लोगों की क्लासेज हैं, कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा आपको सेमेस्टर के बाद, तो आप लोग रेडी रहिएगा। 11 फरवरी से आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएंगी, क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। और कॉपी चेकिंग की बात करें तो 28 फरवरी को आप लोगों का सेमेस्टर UG Semester 2 एंड UG Semester 4 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों, मित्रों, जूनियर सीनियर जो भी हैं उन सभी को इसके बारे में शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आपको दी जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका।